हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, मेल कोन स्टडी किया था, किसके अंदर, फाइनेंस के अंदर। आज हम फीमेल कोन के बारे में क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, फीमेल कोन क्या होता है। स्टूडेंट देख रहा होगा आपको कि सारे टॉपिक्स जो है सिमिलर से ही है और बहुत ही ईजी है, एक के साथ एक कनेक्टेड है। कुछ पार्ट तो आपको क्या होता है प्रीवियस वाला पार्ट ही मिल जाता है, उसके साथ कुछ चीजें क्या होती है आपको न्यू मिलती है, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली चीजें क्या होती हैं आपको सिमिलर दिखाई दे रही है, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अब फीमेल कोन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल देखा था मेल कोन देखा था जो टर्मिनली क्या होता है अटैच्ड होता है, उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल कोन की, तो फीमेल कोन जो होते हैं आपके जो लॉन्ग शूट्स होती हैं, उस लॉन्ग शूट्स पे क्या होते हैं हमारे पास, जो आपके पास आपको याद होगा जैसे इस टाइप से अगर हम बनाए यहाँ पे डायग्राम, तो लॉन्ग शूट्स के अंदर आप देख रहे थे यहाँ पे कि आपको यहाँ पर इस टाइप के स्केली लीव्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे। तो इन स्केली लीव्स के जो एक्सियल पोजीशन है, उन एक्सियल पोजीशन पे क्या थे इस टाइप के क्या होते हैं फीमेल कोन क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया था कि किस तरीके से क्या होते हैं इनके जो स्केली लीव्स जो होते हैं, ठीक है, स्केली लीव्स के एक्सियल पे जो क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं किसके अंदर, फीमेल गैमेट्स की प्रोडक्शन करने में। तो अगर हम बात करें जैसे हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, हम देखा था कि मेल कोन होता है उसको हम जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका कट करते हैं तो आपको स्पोरोफिल्स दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से जब इसको हम इसका भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे तो इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, एक सेंट्रल एक्सिस देखेंगे, जैसे कि हमने मेल कोन के अंदर देखा था, ठीक है, याद होगा आपको। हम वापस से मेल कोन की तरह फीमेल कोन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कोन को अगर हमने क्या देखा, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, तो आपको यहां पर भी क्या मिलेंगे, आपको स्पोरोफिल मिलते हैं, जैसे कि आपको स्पोरोफिल मिले थे किसके अंदर, मेल कोन के अंदर। तो फीमेल कोन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी आपको कुछ इस टाइप से आपको क्या मिलने वाले हैं, और थोड़ा सा क्या है यहां पर डिफरेंस मिलने वाला है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंस क्या हो रहा है कि इनके स्पोरोफिल जो है स्लाइटली डिफर है किससे, माइक्रोस्पोरोफिल्स है। तो ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल्स है। इनका जो अगर बात करें स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है इनका डिफर देखने मिलता है आपको, ठीक है। और इसके अंदर आपको इस टाइप से क्या मिलते हैं, दो पार्ट देखने मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके मेगा स्पोरोफिल के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है इस साइड में भी, आपको बात करें तो इस तरीके से यहां पर आपको स्पोरोफिल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए भाई मेगा स्पोरोफिल हो गए, ठीक है। जैसे हमने माइक्रो स्पोरोफिल देखे थे उसके अंदर, यहां पे हमारे पास क्या हो गए, मेगा स्पोरोफिल हो गए। तो ये हमारे पास, इसको मैं लेबलिंग कर दूं तो मैं, देखो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, देखो इसको आप यहीं पे पढ़ते पढ़ते भी इसको याद कर सकते हैं, सिंपल। मेगा स्पोरोफिल मींस क्या होता है, अगर बात करें फीमेल के लिए यूज करते हैं हम, माइक्रो स्पोरोफिल जो होता है मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या, स्मॉलर साइज के होते हैं वो, ये क्यों से क्या होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोरेंजियम बनेंगे, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, सेम थिंग्स, ठीक है। तो अब इस मेगा स्पोर फील्ड के अंदर अगर हम इसको यहां पर इसको मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लूं यहां पे, तो अलग करने के बाद अगर मैं यहां पे बात करूं इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेगा स्पोरोफिल आ गया, ठीक है। तो ये मेगा स्पोरोफिल जो है इसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहे हैं, जनरली क्या होता है वुडी इन नेचर होते हैं, ये वुडी इन नेचर के होते हैं। तो इनको अगर हम यहाँ पे लेबलिंग करूं इनकी अलग से, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड ओव्यूली फेरस स्केल्स, ठीक है, ब्रैक स्केल बोलते हैं, ओव्यूली फेरस ब्रैक स्केल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूली फेरस ब्रैक स्केल बोलते हैं। यहां पर जल्दी क्या मिलेगा आपको, ओव्यूल मिलेगा देखने को, और ये वाला पार्ट जो रहता है इसको इसको हम ओनली क्या बोलते हैं, ब्रैक स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसका भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम देखेंगे इसके अंदर अभी फर्दर। और इसके अंदर अगर हम बात करें किसके अंदर, ओव्यूली फेरस ब्रैक ओव्यूल के अंदर, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, एक डिप्रेशन देखने को मिलती है, कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
और इसके अंदर हमें क्या देखने मिलने वाला है, ओव्यूल देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेगा स्पोर एंजियम देखने वाले हैं जिसके अंदर मेगा स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो अगर इसके हम यहाँ पे बात करें तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी जैसे हमने कल बनाया था ना माइक्रोस्पोरोफिल बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर इस तरीके से, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है आपको देखने मिले थे कि दो माइक्रोस्पोर एंजियम मिले थे माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर। तो मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या मिलने वाले हैं आपको, दो मेगा स्पोरेंजियम मिलने वाले हैं कुछ इस टाइप के। ठीक है, और इनके अंदर हमें क्या मिलने वाले, ओव्यूल्स मिलने वाले। ठीक है, तो ओव्यूल हमारे पास क्या रहेंगे, इस तरीके से अटैच रहेंगे इनको इस टाइप से। यहां पर भी हमारे पास क्या मिलने वाले हैं, इस टाइप से इनके अंदर ओव्यूल्स मिलने वाले। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या मिलने वाले, ओव्यूल्स मिलने वाले। और जिनके पास हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें हमारा एग मिलने वाला है। ठीक है, दिस इज हमारा एग है जो इसके पास क्या है, प्रेजेंट है। तो अब सेम थिंग, सिमिलर चीजें मिल रही है देखने को, माइक्रोस्पोरोफिल वाला भी और मेगास्पोर वाला भी। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर देखते चल रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या था, सेंट्रलाइसिस के पास हम देखे थे हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे मेगास्पोरोफिल रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फीमेल कोन। फीमेल कोन जो होते हैं जो स्केली लीव्स होते हैं उनके एग्जिट पॉइंट पे क्या होते हैं, वहां से अराइज होते हैं। जनरली अगर बात करें इनकी हम बात करें तो मेगास्पोरोफिल जो होते हैं इनके अंदर जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू द माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब इनके अंदर बात करें जो स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल के अंदर दो पार्ट देखने मिलते हैं, जैसे क्या होते हैं वुडी पार्ट अपीयर होते हैं बाहर की तरफ से, लेकिन अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये दो पार्ट रहते हैं। एक पार्ट जो होता है इसका क्या कहलाता है, ओविलिफेरस बैक स्केल कहलाता है, और ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ओनली बैक स्केल कहलाता है। अब यहाँ पे ओव्यूलिफेरस बैक स्केल जो होता है इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके अंदर आपको दो चैम्बर दिखाई देते हैं, दैट इज द मेगास्पोरेंजियम, जिनके अंदर हमारे पास क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, और ये ओव्यूल जो होते हैं इनके सराउंडिंग में, जैसे कि आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं हम, तो जिम्नोस्पर्म के सराउंडिंग जो है सीड के सराउंडिंग में ओवरी की प्रोटेक्शन जो होती है आपको देखने को, या कवरिंग जो होती है वो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते रहते हैं नेक्ड ओव्यूल रहते हैं। तो दैट मीन्स क्या होते हैं, जब इनका फर्टिलाइजेशन अक्कर होगा तो उसके बाद जो सीड बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, नेक्ड सीड रहते हैं इसके। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारे पास इतना स्ट्रक्चर हो गया, अब आ जाओ यहाँ पर वापस से, अब बात करते हैं किसकी। आपको याद होगा कि इनके अंदर जो पायनस हम स्टडी कर रहे हैं, इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन कैसा होता है, पॉलिनेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, विंड विंड के थ्रू होता है। ठीक है, और कैसे होते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिलस, एनिमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, विंड के थ्रू जो होता है। अब आपको पता है जो इसका क्या रहता है, जो माइक्रोस्पोर, अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन आपको याद होगा कल हमने देखा था कैसा था, वो विंड पोलन ग्रेन था। ठीक है, जो विंड के थ्रू हेल्प से क्या होता है, मूव करके जाता है, और मूव करने के बाद क्या होता है आपको याद होगा हमने पढ़ा था सल्फर क्लाउड लेके, तो लार्ज नंबर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद क्या होता है, जब ये क्या होते हैं रीच करते हैं कहां पे, फीमेल कॉर्न के पास, तो फीमेल कॉर्न का जो ये पार्ट है दैट इज द ब्रेड स्केल, यहां पर क्या करते हैं ये आके स्टे कर जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं ये वेट करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जल्दी अगर देखा जाता है इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर पोलन ट्यूब जो होती है ऑलरेडी क्या होती है, और जर्मिनेट करना क्या हो चुकी होती है, शुरू कर चुकी होती है। ठीक है, जो पोलन ट्यूब जो होती है इसके अंदर ओरिजिनल पहले ही क्या हो चुकी होती है, इमर्ज होना क्या हो चुकी होती है, स्टार्ट हो चुकी होती है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग जो है स्टूडेंट्स वो देखने मिलती है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग्स ये होती है कि जब इनका पॉलिनेशन होता है और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है उसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लग जाता है। ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है कि यहां पर जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहां पर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, और ये ओव्यूल भी स्टूडेंट आप एक थोड़ा सा याद कर लेना कि ये ओव्यूल जो होता है किस टाइप का होता है, ओव्यूल के अगर यहां पर हम बताएं तो ये कैसा होता है, ऑर्थोपिडिक टाइप का होता है, और कैसा होता है इसके अंदर, यूनिटैग्मिक। ठीक है, ऑर्थोट्रेपस यूनिटैग्मिक टाइप का क्या होता है, ओव्यूल होता है। दैट मीन्स क्या होता है, एक तो जो इनका एक्सिस होता है वो सारे एक्सिस पे क्या होते हैं, जो सारे पार्ट होते हैं इनके, लाइक टैगमेंट है, इसका स्टॉक है, वो सारी क्या होती है एक ही एक्सिस पे होती है,
इसकी वजह से क्या क्या होता है, इसको ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। एक्रोस्टोइड्स होता क्या है, जैसे एनाट्रोपस हो गया, ऑर्थोट्रोपस हो गया, ऐसे कई क्या होते हैं, अलग अलग क्या है नाम है ओव्यूल्स के, अलग अलग इनको दिया गया है नाम। तो उनके नेम क्या है, उनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पर है कि किस टाइप की ओरिएंटेशन है, 30 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो उसके बेसिस पर क्या है इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या कहलाते हैं, ऑर्थोट्रोपस टाइप कहलाते हैं। इनका सारे जो पार्ट्स है जनरली क्या होते हैं, एक ही एक्सिस पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, यूनिटैगमल टाइप का इसलिए होता है कि इनके जो टैगमल होते हैं सराउंडिंग में जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, सिंगल कवरिंग होती है। कईयों के अंदर क्या होते हैं, बाइटैगमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो कवरिंग प्रेजेंट रहते हैं सराउंडिंग में सीड्स के, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ओनली एक ही कवरिंग रहते हैं, इसके क्या बोलते हैं, यूनिटैगमिक ओव्यूल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये ब्रैक्ट ओव्यूल जो है, ब्रैक्ट स्केल जो है, जो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आते हैं यहाँ पे, विंग पोलन ग्रेन्स, तो क्या करते हैं वो इस ब्रैक्ट स्केल के पास आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, स्टे करते हैं। और फिर क्या होता है, इसके बाद जो पोलन ट्यूब जो होती है धीरे धीरे क्या करते हैं, रीच करती है कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, जहां पर क्या होता है, एग होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेल गैमेट्स, और दूसरे हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेट्स, दैट इज जो यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, इसके पास क्या है, मेल गैमेट्स है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये जो एग है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है। और ये जायगोट जो होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की है कि इसके सराउंडिंग में क्या होती है, ओवरीज की कवरिंग नहीं, ओवरी की कवरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, ठीक है। और ये जायगोट जो होता है फिर क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। और एम्ब्रियो की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, क्योंकि गैमेटोफिटिक फेज जो होता है आप देख रहे हैं दोनों स्टेजेस के अंदर क्या होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो फेज होता है वो किसमें रहता है, ये स्पोरोफिटिक फेज के अंदर रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, डोमिनेंट फेज होता है, कौन सा होता है, स्पोरोफिटिक फेज होता है। तो उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या होता है, स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट जो होते हैं वो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जब इमर्ज करते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्या था, फीमेल कौन था, दोनों के दोनों सिंपल हमारे पास है। हम पढ़ रहे हैं पाइनस किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर मेल कौन देखा था, यहाँ पे हमारे पास देखा हमने फीमेल कौन क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर याद करने लायक है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच।